तो मुजफ्फरगढ़ में पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है और शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, एक अहम खबर है, मुजफ्फरगढ़ में जो ताजर बरादरी है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी और अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुजफ्फरगढ़ में ताजर बरादरी में इस वक्त सीधा सूरत हाल है और DPO मुजफ्फरगढ़ सादिक अली डोगर की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी अंदरून शहर में तैनात कर दी गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो मुजफ्फरगढ़ में पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है और शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, एक अहम खबर है, मुजफ्फरगढ़ में जो ताजर बरादरी है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी और अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुजफ्फरगढ़ में ताजर बरादरी में इस वक्त सीधा सूरत हाल है और DPO मुजफ्फरगढ़ सादिक अली डोगर की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी अंदरून शहर में तैनात कर दी गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो मुजफ्फरगढ़ में पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है और शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, एक अहम खबर है, मुजफ्फरगढ़ में जो ताजर बरादरी है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी और अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुजफ्फरगढ़ में ताजर बरादरी में इस वक्त सीधा सूरत हाल है और DPO मुजफ्फरगढ़ सादिक अली डोगर की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी अंदरून शहर में तैनात कर दी गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा।